people, this is Angel Singh and welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? इतनी सारी videos अब आपको daily मिल रही है, तो कैसा लग रहा है? और कितने सारे videos के topics जो हैं मैंने बहुत सारे लोगों की request पर बनाए हैं, तो I hope you like everything that comes up in the video. आज का topic एक बहुत ही interesting topic है, ये भी किसी ने मुझे request किया था, तो I thought yeah of course why not. ये काफी interesting topic भी है और जितने ज़्यादा लोगों को पता चले उतना अच्छा है, क्यों नहीं? अच्छी चीज़ें हमेशा बांटने से बढ़ती हैं, तो definitely बढ़ाना चाहिए. तो today I'll be talking about one very small little guy, लेकिन उसके benefits बहुत सारे हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो छोटा बैंक बड़ा धमाका है. So आज का जो एक छोटा सा क्यूट सा जो लिटिल बॉटल में आता है, ये छोटा सा लिटिल गाय है, नन अदर देन हमारा टी ट्री ऑयल. यस, यू हर्ड मी राइट. आज हम बात करेंगे द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ टी ट्री ऑयल. आप इसको कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. स्पेशली दिस इज अ बून फॉर ऑल द ऑयली स्किन पीपल. जितने भी लोगों की ऑयली स्किन है, वो जनरली फेस वॉश, फेस पैक एंड यू नो सिरम, वो सारी चीज़ें हमेशा टी ट्री ऑयल से रिलेटेड लेना ज़्यादा बेहतर. टोनर वगैरह वो सब कुछ टी ट्री ऑयल अगर उसमें है, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होता है. सो ऐसा क्या खास है टी ट्री ऑयल में जो इसको इतना सुपर्ब बनाता है फॉर सो मेनी गुड रीजन्स? सो या आई थिंक अभी वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए और मैं आपको बताऊंगी कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स वो कौन कौन से हैं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थे और मेरे आने के बाद अब आपको जरूर पता लग जाएंगे. तो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. उससे पहले मैं जैसे वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको ना I just love the smell of this oil. It's seriously so soothing. I can't tell you guys. आपके पास ये तो जिस कंपनी का है, obviously मैं इसका लिंक डालूंगी, लेकिन किसी भी कंपनी का अगर आप टी ट्री ऑयल अगर लेते हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस अपने आप में इतनी सूदिंग है ना, कि वो इतना अगर आपको कहीं सर्दी जुकाम है, तो वो एकदम से आपको ठीक कर देगा. एक इसकी और एक यूकेलिप्टस जो ऑयल होता है, उसकी भी मुझे फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है. सो या पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे. तो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. लेट्स सी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज. ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप टी ट्री ऑयल को अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं और उसके मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर सकते हैं. तो या लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. So let's start with the first benefit, which is my personal favorite is to treat acne with the help of tree tree oil. Now why this tree tree oil works on acne? आप अगर कभी आपको रात भर के बाद अगर आप मॉर्निंग में देखते हैं आपको पिंपल हो जाता है, आप उसमें एक या दो ड्रॉप पिंपल पर ये डायरेक्टली अप्लाई करिए और दो से तीन रात इसको अप्लाई करके देखिए, कैसा भी पिंपल होगा वो 100% रिमूव हो जाएगा. द रीजन इज इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है उसको ये कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और इट इज 100% सेफ. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट यूजेस ऑफ टी ट्री ऑयल. सो या दैट्स माय फेवरेट वन. नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, अगर आपका बहुत इची स्कैल्प है या अगर आपको बहुत ज्यादा लाइक डैंड्रफ वगैरह हो जाता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, उसके अंदर आप 3-4 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल एड करिए उसमें, और थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए आप उसके अंदर कोई भी अपना जो फेवरेट ऑयल है, मैंने यहां पर आई विल बी यूजिंग एवोकाडो ऑयल, अगर आप चाहें तो उसके अंदर कोई भी ऑलिव ऑयल या कोई दूसरा ऑयल जो आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं. ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स का रेशो रखिए, वो उसके अंदर ऐड करिए एंड योर यू नो बेस्ट सीरम इज रेडी, जो आप लीव इन सीरम के तौर पर इस तरह से यूज कर सकते हैं. जस्ट एड इट, एवरीथिंग एड इट इन अ बॉटल एंड शेक इट वेल, और उसके बाद उसको अपने बालों में हल्का हल्का करके आप स्प्रे कर लीजिए. आपके बालों का भी प्रॉब्लम खत्म होगा, प्लस आपके इची स्कैल्प का भी प्रॉब्लम खत्म होगा. दैट्स हाउ यू शुड यूज दिस टी ट्री ऑयल एंड इट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर योर इची स्कैल्प एज वेल. नाउ कमिंग टू द थर्ड यूजेस, अगर आप बहुत ज़्यादा अगेन मैंने जैसा बताया कि आपको इची स्कैल्प है, तो आप उसको शैम्पू के अंदर ऐड कर सकते हैं. आपको अगर डैंड्रफ हो रहा है तो उसको शैम्पू के अंदर ऐड कर सकते हैं और 3-4 ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करिए एंड दैट्स मोर देन इनफ. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, ये यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर लिया है. मॉइस्चराइजर के अंदर आप थोड़ा सा टी ट्री ऑयल लीजिए. ये स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली होता है
है और इसकी वजह से वो मॉइस्चराइजर लगा नहीं पाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं उसके अंदर मिनिमम 1 ड्रॉप मैक्सिमम 2 ड्रॉप आप उसके अंदर टी ट्री ऑयल लगाइए और मिक्स करिए, और उसके बाद अपने पूरे फेस पर इसको आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह आप यूज कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स लाइक अ चार्म, आपको कोई प्रॉब्लम मॉइस्चराइजर की वजह से नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूज जो है वो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़ा सा वाटर लीजिए और वाटर के साथ आप उसके अंदर टी ट्री ऑयल अगेन 2 to 3 drops, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, क्वांटिटी वाटर की भी कम रखनी है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करिए और ऐड करने के बाद दिस इंटायर स्प्रे जो है ये आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग स्प्रे। आपको अगर मेकअप करना है या आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं इसको 30 मिनट्स पहले आप ऐसा लगा के ड्रॉप कर दीजिए एंड दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूज, आप अगर फेस पैक यूज करते हैं फेस पैक के अंदर इसको 1 to 2 drops इसके अंदर मिक्स करिए। मैं ये सारी चीजें स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बता रही हूं, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपकी फेस का जो जो स्किन है आपकी वो इतनी अच्छी हो जाएगी, स्पेशली जिनको ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं या जिनको चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूज, थोड़ा सा आप इसको एलोवेरा जेल के फॉर्म में लीजिए, थोड़ा सा रोज वाटर लीजिए इसके अंदर, और रोज वाटर और एलोवेरा जेल को मिक्स करने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लीजिएगा क्योंकि ये आपको अगेन फेस पर लगाना है। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स आवर मैजिक पोशन व्हिच इज टी ट्री ऑयल, आप इसके अंदर 1 to 2 drops टी ट्री ऑयल डालेंगे और ये सारी चीजें आप अच्छे से मिक्स करके इसको एज अ फेस पैक की तरह आप फेस पर लगा लीजिए। ये जो फेस पैक है ये ना ही ओनली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बट अगर कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है या अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके स्किन पे अगर है खासकर फेस के एरिया में, तो आप उस चीज को इसको लगाने के बाद बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं और बिल्कुल आपको इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट यूज इज कि अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो जाता है जैसे मुझे यहाँ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका ब्लॉक्ड नोज है तो आप क्या करिए कि पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर टी ट्री ऑयल डालिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 to 4 drops टी ट्री ऑयल आपको डालना है, एंड देख जस्ट टेक अ स्टीम फॉर लाइक 5 to 10 minutes और इसको स्टीम से आपकी जो ब्लॉक्ड नोज होगी वो एकदम ठीक हो जाएगी। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है एंड आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स लाइक अ चार्म। नेक्स्ट यूज इज अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक रैशेज हो जाते हैं स्किन पे इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से, आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, ये 100% सेफ है और ये जो रेडनेस है वो स्किन की एकदम खत्म कर देता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको ये जो मैं मेथड आपको बताऊंगी ये कंटिन्यूसली आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं और आपके अगर हेड पर स्कैल्प में सोरासिस या कोई भी ऐसी डेंजरस आपको स्किन डिसीज है इंक्लूडिंग यू नो मैं अपने बारे में तो मेरा यहाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाइस की प्रॉब्लम होती है, उनको जुएं हो जाती हैं, लीखें हो जाती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ये टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको और कुछ नहीं करना है, आपके रेगुलर ऑयल में आप टी ट्री ऑयल को मिक्स करिए, आपके डैंड्रफ का प्रॉब्लम खत्म होगा, आपको अगर सोरोसिस वगैरह का कोई इशू है तो वो आपको 100% ये कम करेगा, उसके साथ साथ आपके अगर जैसा बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा यू नो बॉइल्स हो जाते हैं या स्किन में कोई इशू हो जाता है, स्कैल्प में कोई इशू हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा इचिंग कर करके, ये सब चीज़ों को ये टी ट्री ऑयल जो है ये 100% आपको रिजल्ट देगा। इसके अंदर एंटी माइक्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से जो रेडनेस है, स्वेलिंग है और यू नो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। इट इज़ लाइक अ मैजिक पोशन, तो आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर निकालना चाहते हैं तो टी ट्री ऑयल उसको ज़रूर यूज़ करिए, वो 100% आपको रिजल्ट देगा ही देगा, एंड विद द सक्सेस रेट ऑफ 100% दिस इज़ अ वेरी मैजिकल पोशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज अगैन यू नो आप अगर कोई भी शैम्पू लगा रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया शैम्पू के अंदर इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है, शैम्पू लीजिए उसके अंदर 2 to 3 drops टी ट्री ऑयल को डालिए और डालने के बाद उसको मिक्स करने के बाद आप हल्का हल्का मसाज करिए अपने हेड पर, और ये मसाज करने के बाद आप 10 मिनट्स के लिए अपने बालों पर इसको छोड़ दीजिए ताकि ये अपना काम कर ले, और उसके बाद नॉर्मली वाटर से आप इसको हेड वॉश जो है वो कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि खासकर जब आप
ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग के बाद आपको ऐसा, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा फर्स्ट हेड वॉश जो होता है आफ्टर ऑयल, वो ऑयल पूरा प्रॉपरली निकलता नहीं है। अगर आप ये टी ट्री ऑयल लगा के बालों में, और उसके बाद जिस तरह से मैं यहाँ मेथड आपको शो ऑफ कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो 100% आपका फर्स्ट वॉश में जो हेड वॉश करेंगे उसमें सारा का सारा ऑयल आपका निकल भी जाएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट टू, आपके स्कैल्प से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज हैं तो अगर आप डायरेक्टली ऑयल में नहीं लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्मेल होती है, तो आप इसको शैम्पू में लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब भी ये काम उतना ही इफेक्टिवली करता है। और आपके बालों में जो डैंड्रफ वगैरह है तो वो सब एकदम 100% रिमूव कर देगा। तो या दैट्स हाउ यू शुड यूज दिस टी ट्री ऑयल एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस टी ट्री ऑयल। So you have seen there are so many different ways of using this small little guy जिसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और ये हमेशा आपकी सेहत का ख्याल रखेगा और ये हमेशा आपको ब्यूटीफुल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये लिटिल गाय को आप हमेशा अपने पास रखिए और इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो आज मैंने दिखाए हैं उसको आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। और अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको आज का कौन सा वाला मेथड सबसे अच्छा लगा और कौन सा मेथड आपने अभी तक ट्राई किया जो आपके लिए सक्सेसफुल रहा और हाउ इट एक्चुअली पैन्स आउट वेल फॉर यू। सो या आई वुड वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड आई रियली होप आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी यूजफुल पाया होगा आज का वीडियो। तो अगर आपको ऐसा लगा तो प्लीज़ डोंट शाई एंड प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ मुझे पसंद किया जा रहा है। तो आप फटाफट से उसको लाइक बटन और थम्स अप जरूर दीजिए मुझे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ओके? हर बार आके मैं आपको ये बात बोलती हूँ, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब जब मेरी वीडियो आए तब तक आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इमीडिएटली मेरे साथ फटाफट से जुड़ जाए। सो या आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट यू आर ब्यूटीफुल, स्टे ब्यूटीफुल एंड बी ब्यूटीफुल, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल यार। गॉड ब्लेस यू, बाई।